स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई सेकेंड लेक्चर. नाउ माई नेक्स्ट टॉपिक इज कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द इलेक्ट्रिकल स्लैब. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद द कंडक्टिंग स्लैब. ठीक है, हमने कैपेसिटर की टू प्लेट के अंदर कौन सी स्लैब रखी थी? कंडक्टिंग स्लैब. अब हमारा आर्टिकल है, जब हम कैपेसिटर की टू प्लेट के अंदर डिलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देंगे तो जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट होएगा. सबसे पहले हमने टू प्लेट को कंसीडर किया. ए प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, बी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है. इन दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस डी है. हमने टू प्लेट के अंदर एक डिलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया. डिलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस टी है. हमने ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में प्रूफ किया था जब हम कैपेसिटर के अंदर कोई भी स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं करते तो उसकी कैपेसिटेंस सी नोट होती है. इसका फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव कर लिया था, सी नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए पॉन डी. ठीक है, बट व्हेन डिलेक्ट्रिक स्लैब इज इन ऑफ थिकनेस टी इज लेस देन डी इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स देन द मोलिकुल्स ऑफ द स्लैब गेट्स पोलराइज. हमें पता है जब हम डिलेक्ट्रिक स्लैब को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो डिलेक्ट्रिक स्लैब के मोलिकुल्स पोलराइज हो जाते हैं. देन द पोलराइजेशन वैक्टर पी इंट्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई पी विच इज अपोजिट टू ई नोट. तो पोलराइजेशन वेक्टर पी क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको, मतलब कि ई पी. ठीक है, तो जिसकी डायरेक्शन ई नोट से अपोजिट होगी. देखो इस एरिया में, टोटल एरिया में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोट है, जो मतलब कि डिलेक्ट्रिक स्लैब है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया वो ई पी है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया में कितना रहेगा? ई नोट माइनस ई पी, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट. देयरफोर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, टू प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल आएगा? V इज इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी प्लस ई टी. ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास टू एरिया बन गए, एक तो ये वाला, एक स्लैब वाला. जो स्लैब वाला एरिया है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? ई. जो मतलब कि डी माइनस टी एरिया है साइड वाला, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई नोट जो हमने अप्लाई की थी. लास्ट लेक्चर में हमने के की वैल्यू को फाइंड किया था. के क्या होता है? ई नोट अपॉन ई, दैट इज इक्वल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रह गया था डिलेक्ट्रिक स्लैब में. ओके, इसका नेम था डिलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट. इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का क्या फार्मूला था? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इसलिए ई नोट पोन ई किसके इक्वल आ गया? के ई की वैल्यू आ गई ई नोट पोन के. अब हम इस ई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या आ गई? ई नोट पोन के. ओके, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया. इसमें से हम ई नोट को बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट के अंदर रह गया डी माइनस टी, ये वाला टी पोन के. अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है? सिग्मा पोन एप्सिलॉन नोट. सिग्मा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? चार्ज पोन एरिया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई चार्ज पोन एरिया एप्सिलॉन नोट. अब हम ये वाली टर्म यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पोटेंशियल हमारे पास आ गया क्यू पोन ए एप्सिलॉन नोट टी माइनस टी प्लस टी पोन के. हमने क्या फाइंड करना है? कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डिलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट. तो उसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया है. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू पॉन पोटेंशियल. पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया और ये सारी टर्म हमने यहाँ पे पुट कर दी. ठीक है, क्यू के साथ क्यू कैंसिल हो गया, ये वाली टर्म सारी ए एप्सिलॉन नोट ऊपर चली गई, नीचे वाली टर्म में रह गया डी माइनस टी प्लस टी पोन के. ओके, अब हम इसको क्या करेंगे? इस टर्म में से टी को बाहर निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर रह गया
वन माइनस वन पोन के, क्योंकि जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके, जब हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर मतलब कि डायरेक्टिक स्लैब को इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो कैपेसिटी क्या थी, सी नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ए पोन डी। जब हमने कैपेसिटर की टू प्लेट के अंदर डायरेक्टिक स्लैब को इंसर्ट कर दिया तो हमारे पास कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ गई, एप्सिलॉन नोट ए अपॉन डी माइनस टी माइनस वन माइनस वन पोन के। सो जो इसकी वैल्यू है, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों की वैल्यू को कंपेयर करते हुए हमें क्या पता चलता है, सी इज ग्रेटर देन सी नोट, दैट इज ऑन इंट्रोड्यूसिंग ऑफ डायरेक्टिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर कैपेसिटेंस इंक्रीज। जब हम कैपेसिटर की टू प्लेट्स के बीच में डायरेक्टिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं जो हमारी कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट्स ये टू आर्टिकल हैं, सबसे पहले आर्टिकल में हमने सोल्व किया था जब कैपेसिटर की टू प्लेट के बीच में हम कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हमारा ये वाला आर्टिकल में हमने प्रूफ किया है जब हम कैपेसिटर की टू प्लेट के बीच में कौन सी प्लेट इंट्रोड्यूस करते हैं, डायलेक्ट्रिक, तो उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होता है। दोनों केस में कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज, क्योंकि जब हमने कैपेसिटर की टू प्लेट के बीच में कोई भी स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं की थी, उनके बीच में क्या था, फ्री स्पेस, तो हमारे पास सी नोट की वैल्यू आई थी एप्सिलॉन नोट ए पॉन डी, क्योंकि एप्सिलॉन नोट कब आता है, जब मतलब कि मीडियम क्या होता है, फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मैंने आपको मीनिंग बता दिया था, या तो क्या होता है एयर, या क्या होता है वैक्यूम। ओके स्टूडेंट्स, ये टू आर्टिकल आपने अच्छे से सोल्व करके देखने हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।